फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अंजलि फूड लैब के चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑरेंज केक की एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन। ज़्यादातर बेकरी में ऑरेंज केक नहीं मिलता है, हम जैसे होम बेकर्स को ही अलग अलग फ्लेवर का केक मिलता ही रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 कप प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 700 से 800 ग्राम ही तक मुझे केक बनाना है, इसीलिए मैं 1.5 कप प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पिल्सबेरी का प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद ऑरेंज इमल्शन डालूँगी, फिर उसके बाद 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल डालूँगी। 1.5 कप प्रीमिक्स ले रही हूँ इसीलिए मैं 1.5 चम्मच ऑयल डालूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। यहाँ पे मैं 1 कप से भी कम पानी यहाँ पे लगेगा, पानी का कोई मेज़रमेंट नहीं है, आप बस थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाइए। और थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, जब भी आप प्रीमिक्स से बैटर बनाते हो ना, थोड़ा सा पतला बनाओगे तो स्पॉन्ज बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और ऊपर वाला जो लेयर होता है वो बिल्कुल फटता भी नहीं है। मैं आपको बेक करके भी दिखाऊंगी, ये बिल्कुल भी ऊपर में नहीं फटेगा, एकदम सुंदर स्पंज बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ पे पिल्सबेरी का प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ। आपके एरिया में जो भी प्रीमिक्स यूज़ मिलता है वो आप यूज़ कीजिए। आप चाहे तो ट्रोपोलाइट का यूज़ कर सकते हैं, प्रिस्टाइन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो पिल्सबेरी बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है हमारा। मैं तो पिल्सबेरी और प्रिस्टाइन को ही रेफ़र करूँगी। आप वो प्रीमिक्स खरीद के लेकर आइए, बस डालिए थोड़ा सा इमल्शन या एसेंस डालिए, थोड़ा सा ऑयल डालिए, पानी डाल के हमारा बैटर रेडी हो जाता है। फिर हम एक केक टिन लेंगे, मैं यहाँ पे 6 इंच का केक टिन ले रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा इको बैग हम लगा लेंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है या बटर पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ टिन को ऑयल से ग्रीस कर दीजिए अच्छे से, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। फिर उसके बाद मैं सारे बैटर को टिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसी बीच में मैं गैस में एक पतीले को बिठा दी हूँ, 10 मिनट के लिए हमको एकदम लो फ्लेम में उसको प्री हीट करना है। आप हमेशा प्री हीटेड कढ़ाई हो या प्री हीटेड ओवन में ही आप केक बेक कीजिएगा। अगर वो प्री हीटेड नहीं होता है ना, तो हमारा केक एक तो अच्छा नहीं बनता है और बहुत टाइम लेता है। फिर उसको लेबल करके अच्छे से, फिर अच्छे से टैप टैप कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर एयर बबल्स हो वो निकल जाए। फिर देखिए मैं कढ़ाई में इसे डाल दी, फिर 25 से 30 मिनट के बाद देखिए हमारा स्पॉन्ज बनकर रेडी हो चुका है। एकदम लाइटिश ऑरेंज टोन के कलर में आया है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑरेंज इमल्शन यूज़ की थी। अगर आप चाहे तो ऑरेंज एसेंस डाल के थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इमल्शन में कलर और एसेंस दोनों ऐड होता है, इसीलिए मुझे कलर ऐड नहीं करना पड़ा। अब इसे हम निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप हमेशा केक को उसी टाइम में डिमोल्ड कीजिए जब वो ठंडा हो जाए, नहीं तो वो टूट जाएगा और अच्छे से नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा स्पंज कटिंग करने के टाइम में ठीक ठीक मतलब परफेक्ट साइज़ और परफेक्ट लेयर नहीं आता है। आप नाइफ से थोड़ा सा मतलब ऐसे निशान लगा लीजिए, फिर एक धागा लीजिए, धागे से आप दोनों हाथों से धागा पकड़िए, फिर उसको बीच में से इसे खींचते जाइए क्रॉस करके, आराम से आपका स्पंज लेयर में कट हो जाता है। एकदम परफेक्ट साइज़ में कटिंग होता है, देखिए ना कोई टेंशन ना कोई झिकझिक, बस आप इस नुस्खे को अप्लाई कीजिए और देखना आपका भी स्पंज मेरे जैसा एकदम परफेक्ट लेयर में कटने वाला है। उसी तरह से मैं सेकेंड लेयर को भी काट के रख दूँगी। देखिए कितना अच्छे से कट हो जा रहा है ना, एकदम परफेक्ट शेप में 3 लेयर कट के हमारा रेडी हो जाता है। फिर हम लेंगे केक बोर्ड, उसमें से थोड़ा सा हम क्रीम लगा लेंगे। इस व्हिप क्रीम में भी मैं थोड़ा सा ऑरेंज इमल्शन डाल के बीट कर दी हूँ, ताकि क्रीम में भी एकदम ऑरेंज ऑरेंज फ्लेवर आए और कस्टमर एकदम हैप्पी हो जाए। फिर हम रख लेंगे स्पंज का वो जो फर्स्ट वाला लेयर हमें रखना है सबसे आगे। रख के मैं यहाँ पे पानी में थोड़ा सा ऑरेंज क्रश डाल के इसे स्पॉन्ज को अच्छे से सोक कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से मैं सोकिंग कर रही हूँ। आप एकदम टाइम देके स्पॉन्ज को चारों तरफ से अच्छे से सोकिंग कीजिए। अगर आपका क्रश से सोक नहीं करते हो तो आप सिर्फ शुगर सिरप से भी सोक करते, थोड़ा सा चीनी लेके पानी में डालिए, उसे एकदम डिजॉल्व होने दीजिए, फिर उसको सोक कीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से आप सोक कीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट
होता है कि हम अगर ज़्यादा सोक करेंगे तो वो गीला गीला होगा, चिपचिपा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब ये फ्रीज में जाएगा सेट होने के लिए तब इसका एक्चुअल टेस्ट निकल के आता है। सोक किया हुआ स्पंज बहुत ही अच्छा लगता है। जब कस्टमर एक पीस खाएगा तो एकदम खुश हो जाने वाला है। फिर हम ढेर सारा इसमें व्हिप क्रीम लगाएंगे। आप ध्यान रहे, जितना आपका स्पंज का लेयर आप कट किए हो उसी लेयर के हिसाब से आप क्रीम में भी लगाइए। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, कम लगाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर कस्टमर स्पेशली आपको बोला है कि आप ज़्यादा क्रीम यूज़ कीजिए या आप ज़्यादा मतलब कम क्रीम यूज़ कीजिए तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पर लगा के मैं यहाँ पर ऑरेंज क्रश डालूँगी। देखिए यहाँ पर मैं ऑरेंज क्रश डाल रही हूँ, ढेर सारा मैं यहाँ पे ऑरेंज क्रश डाल दूँगी, क्योंकि उसी क्रश डालने से ही हमारा केक का जो टेस्ट होता है वो एनहांस होता है। आप अगर कम क्रश डालेंगे तो भाई ये अच्छा नहीं लगेगा। क्रश में एकदम कंजूसी मत कीजिए। एक बार आपका ये केक कस्टमर को खाने दीजिए फिर तो आपका नेक्स्ट ऑर्डर पक्का ही पक्का है। ये जो बीच बीच में साउंड हो रहा है ना कूं का सा, ये मेरी बेटी का आवाज़ है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, 1.5 साल की है। मैं उसी के पास बैठकर वॉइस ओवर करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा साउंड आता ही रहता है। फिर हम इसे पैलेट नाइफ से अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम केक का दूसरा हिस्सा भी रख लेंगे और इसे भी अच्छे से पानी में क्रश डाला हुआ जो पानी है वो भी उसे अच्छे से सोक करेंगे। फिर उसके बाद क्रीम डालेंगे, फिर उसके बाद क्रश डालेंगे। ऐसे प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जो सोक करते हैं स्पंज को वो केक का वेट बढ़ाने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे कुछ केक का वेट बढ़ता ही नहीं है। अब जितना क्रीम डालोगे, जितना वेट का स्पंज होगा उससे मिला के फाइनली केक का हम वेट करते हैं। फिर उसे भी अच्छे से लगा के ढेर सारा क्रश डालिए। फिर क्रीम को हम लेवल कर देंगे साइड से, देखिए। साथ ही साथ हम क्रम कोटिंग भी करते जा रहे हैं। ढेर सारा मैं यहाँ पे ऑरेंज क्रश डाल रही हूँ। फिर उसे हम अच्छे से मिला लेंगे पैलेट नाइफ से। फिर हम रखेंगे हमारा फाइनल लेयर यानी कि थर्ड लेयर स्पंज का। फर्स्ट लेयर जो होता है, लास्ट वाला लेयर जो होता है वो हमें पहले रखना होता है। इससे भी हम अच्छे से सोकिंग करेंगे। ये वाला लेयर में तो क्रश नहीं डालेगा। अब हम करेंगे केक की आइसिंग। पहले हम क्रम कोटिंग थोड़ा थोड़ा कर दिए हैं। पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम डाल के ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए। ये प्रोसेस को करने से आप बहुत ही जल्दी केक में फिनिशिंग पा सकते हो। आप अगर पैलेट नाइफ से लगाते जाओगे ना, केक की फिनिशिंग में टाइम लगता है। फिर पाइपिंग बैग में ऐसे गोल गोल घुमा के आप क्रीम लगाते जाइए। मेरा यहाँ ख़त्म हो गया है पाइपिंग बैग में क्रीम, तो इसीलिए मैं स्पैचुला लेकर ऊपर में क्रीम लगा दे रही हूँ। फिर हम एक स्क्रैपर लेंगे और अच्छे से इसे क्लीन कर देंगे। अब जितना बार हो सके उतना बार आप क्लीन कीजिए, लेकिन क्लीन मस्ट कीजिए। केक एकदम फिनिशिंग दिखना चाहिए। कस्टमर तो पहले दिखेगा फिर वो काट के उसे टेस्ट करेगा, जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा फंडा है हमारा केक बिजनेस में भी। केक हमारा एकदम अच्छा दिखना चाहिए आँखों को, बस पहली नज़र में ही जैसे प्यार हो जाता है उसी केक को देखते हैं एकदम खाने को दिल करे। ऐसा वाला आप केक बनाइए। देखिए हमारा एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। फिर हम एक कॉम लेंगे, उससे साइड में से ऐसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी आप बना सकते हैं, वैसे प्लेन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे डिज़ाइन बना दे रही हूँ। फिर मैं इसे सेट होने के लिए फ्रीज में 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूंगी, ताकि हमारा क्रीम जो है एकदम सेट हो जाए। मैं ऊपर में भी इसे कॉम्ब लेकर ऐसे डिज़ाइन बना दे रही हूँ। फिर इसके बाद हम फ्रीज में रखेंगे 20 से 25 मिनट। फ्रीज से निकालने के बाद हम इसके ऊपर फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे न्यूट्रल जेल ले रही हूँ, जो कोल जेल आता है, आप इसको कोल जेल के नाम में भी मार्केट में मिलता है। न्यूट्रल जेल या कोल जेल आप लेके इसमें ऑरेंज कलर में इसमें डाल दी हूँ। ऑरेंज कलर में डाल के अब जितना न्यूट्रल जेल लोगे, अगर दो स्पून आप न्यूट्रल जेल लोगे तो 2 स्पून आप इसमें पानी ऐड करोगे। ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, नहीं तो केक में से एकदम नीचे गिर जाएगा और डिजाइन अच्छा नहीं दिखेगा। बस थोड़ा सा ऑरेंज कलर मैंने डाल दिया है, 1 से 2 ड्रॉप, और हमारा सुंदर ऑरेंज कलर एकदम रेडी हो चुका है। फिर मैं एक स्पून के मदद से ऊपर में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। फिर पैलेट नाइफ से अच्छे से क्लीन करके साइज़ कर दूँगी।
मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो एक साथ डाल देते हैं, फिर अच्छे से पहले नेप घुमा कर क्लीन कर देते हैं। आप में से मेरा कोई वीडियो देख रहा है वो अगर एक्सपर्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। लेकिन मैं तो भाई साहब ऐसे ही करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं धीरे धीरे पैलेट नाइफ घुमाते जाती हूँ, क्लीन करते जाती हूँ और हमारा एकदम जेल जेल टाइप का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा सुंदर कलर लाता है। मैं ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और हमारा यहाँ गर्मी बहुत होती है। इस सीज़न में फ्रेश ऑरेंज मार्केट में अच्छा नहीं मिलता है, नहीं तो मैं ऊपर में फ्रेश ऑरेंज डालती हूँ उसे काट कर। ये बहुत ही अच्छा सुंदर लगता और टेस्ट भी होता खाने में, क्योंकि यहाँ मार्केट में इतना गर्मी में फ्रेश ऑरेंज अच्छा सा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं न्यूट्रल जेल डालकर केक को सुंदर बना रही हूँ। फिर सिंपल सा हम डिज़ाइन बनाएंगे, नीचे स्टार नोजल लेके मैं इसे बॉर्डर बना रही हूँ। कोई सा भी स्टार नोजल आप लेके इसे बॉर्डर बना दीजिए, फिर न्यूट्रल जेल के ऊपर मैं उसी नोजल से स्टार स्टार करके इसे बॉर्डर बनाऊंगी। न्यूट्रल जेल डालने से केक ऑलरेडी बहुत सुंदर दिख रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिज़ाइन इस पर नहीं बनाऊंगी और रोज़ तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। हर केक में रोज़ बनाती हूँ तो इस केक में मैं रोज़ को एकदम स्किप कर दी हूँ। आपको अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कीजिए, आप ढेर सारा मुझे कमेंट देके अपना प्यार जता सकते हैं। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब में हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, और वीडियो में रोज़ डालती रहूँगी, आपके साथ न्यू न्यू डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, क्यों कोई डिज़ाइन पसंद आया हो तो नीचे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़े रहने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं रोज़ आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर सकूं और आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। साइड में मैं थोड़ा सा शुगर बॉल ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे प्लेन भी रख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मेरे कस्टमर को तो ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई और केक का टेस्ट भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और मैं फ्रेश केक बनाती हूँ, जब भी ऑर्डर आता है तब भी मैं स्पंज बनाती हूँ फिर डिज़ाइन करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।